किसी ने क्या खूब कहा है, जो व्यक्ति हमेशा साफ स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी हमेशा तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी धोखा नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। एक बार की बात है, एक जापानी कार लाल बत्ती पर जाकर रुकती है। उसमें बैठे एक विदेशी मेहमान ने जापानी ड्राइवर से कहा, देखो मित्र, ना तो कोई ट्रैफिक मैन है और ना ही कोई गाड़ी, तो तुमने लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी क्यों रोक दी है? मैं भी देख रहा हूं इस लाल बत्ती के सिग्नल पर ना तो कोई ट्रैफिक मैन है और ना कोई गाड़ी आ रही है, मैं आसानी से इस लाल बत्ती को क्रॉस कर सकता था, लेकिन ऐसा करते देख अगर कोई बच्चा मुझे देख लेता तो वह बच्चा भी सोचता अगर कोई देख ना रहा हो तो आसानी से कानून को तोड़ा जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरे देश का भविष्य बिगड़े। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हम सबको बतलाती है कि बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता जरूर कम होती है, लेकिन उनके ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए छोटी सी छोटी बातों पर बच्चों के सामने हमेशा सतर्क रहें। इसी आशा के साथ आप बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल बुंदेली गौरव छत्रसाल पर। आप सभी को सादर वंदे मातरम।